आज हम मौजूद हैं क्यों उत्थे दिल छोड़ाई के सेट पर। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, यश टोंगो प्रणाली। यश जी, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, आपका जो किरदार है, मतलब जो ब्रिज का किरदार है, काफी दर्शक पसंद कर रहे हैं, एक अच्छे अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे किस तरह का किरदार है। देखिए, किरदार तो अभी मैं आपको बताऊं कि मेरी पर्सनालिटी के बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। मतलब ये इसकी मतलब बिगनिंग में जिस तरह से दिखाया गया, इसकी वाइफ काफ़ी पहले उनका देहांत हो गया, बेटे के साथ बनती नहीं है क्योंकि उसी को कहीं बचाते बचाते बीवी ने अपनी जान दी होती है। उसमें मेरा एक ये हाथ भी खराब हो गया इन दैट इंसिडेंस। तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड और काफ़ी इरिटेटिंग टाइप कैरेक्टर है बिगनिंग के अंदर, लेकिन उनका जीवन में बदलाव आता है जब उनके जीवन में राधा आती है, जो उनसे काफ़ी छोटी है। कहीं ना कहीं उनका जो बेटा है उसी की उम्र की लड़की है। और कैसे दो कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल ही भिन्न लोग हैं जब वो साथ में आते हैं। वो बिल्कुल चुलबुली, इनोसेंट और बिल्कुल मासूम सी लड़की है। ऑन द अदर हैंड, कैसे एक फ्रस्ट्रेटेड, उस हैंडीकैप्ड ऑल्सो, कि जीवन में इतनी प्यारी सी सुंदर सी लड़की आती है, तो हाउ लाइफ चेंजेस। सो दैट इज ऑल अबाउट। और फिर सीन फनी भी हो जाते हैं बड़े। सो करने में तो बहुत मजा आ रहा है। प्रणाली, हमने आपको देखा जब यश जी बता रहे थे, काफी ध्यान से आप उन्हें सुन रहे थे, तो असल में भी जब राधा राधा साथ होती है, राधा प्रणाली, कितना फर्क होता है कैसे जो आपका कैरेक्टर उस बारे में। तो राधा ऐसी है कि राधा के लिए उनके पति परमेश्वर है, क्योंकि मुझे तो कहा गया था कि मेरे नाल कोई ब्याह नहीं करेगा और ये मुझे ब्याह करके इतनी बड़ी हवेली में ले आए हैं। तो राधा के लिए जो वो बोलते हैं वो करेगी। एंड प्रणाली भी काफी गुड लिसनर है वैसे, पर इतनी इनोसेंट नहीं है जितनी राधा है। मैं कहूंगी कि 7% इनोसेंट रहेगी प्रणाली। बाकी काफी डिफरेंट है प्रणाली और राधा का कैरेक्टर, पर आई लव राधास कैरेक्टर। इतनी प्यारी है वो, इतनी इनोसेंट है कि उसको आधी चीजें तो पता ही नहीं है। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये किरदार करने में। उसी में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में। और क्या होता है, एक आदमी जिसकी उम्र है, जिसने लाइफ जी है, वैवाहिक का जीवन देखा है, और एक बिल्कुल ही बच्ची सी लड़की जो उज एक्साइटेड ऑल्सो अबाउट मैरिज, बट शी डजेंट नो अबाउट मैरिज, की शादी क्या होती है। पति, हाँ, जानती है उस पति पत्नी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पति की सेवा करना वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें तो ये जानकारियां तो हमारी परजाई जी ने शायद इनको दे दी होंगी, लेकिन नॉर्मल लाइफ, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कमरे के अंदर क्या किस तरह से, वो उसकी जानकारी इनको नहीं है। तो वो हालात ही बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हो जाती है हम दोनों के बीच में, जो कहीं ना कहीं होता है कि एक बच्चे के तरीके से सिखाया जाता है, ये किसी और तरीके से। फिर हमारे घर में बहन है छोटी मोगर, जो भड़काऊ बहन है, वो मेरे कान भर देती है कि बक बक करती रहती है, बाहर भी बक बक करती रहती है, सब कुछ बता देती है कमरों की। तो इनको दो चार बार तो मैं घर से निकाल चुका हूँ, फिर दो चार बार इनको वापस ले आया हूँ, एक दो बार तो खुद आ गई कूद काद के। तो ऐसा है। बिल्कुल, हमें जितने भी हमने देखा बहुत मजा आ रहा है देखने में, आपसे बात करने में बड़ा मजा आ रहा है। जैसे कि जो किरदार है आपको, तो ब्रिज का और यश का जो किरदार है, तो मतलब कितने मिलते जुलते, काफी अलग हैं एक बिल्कुल दूसरे। ही अलग हैं। मतलब ये देखो ना, ये 50 किलो मैंने बढ़ाए हुए हैं, ये दिख रहे हैं आपको। तो वैसे मैं बड़ा फिट आदमी हूँ, लेकिन इसके अंदर फिजिकली आई नीड टू ट्रांसफॉर्म एज ब्रिज, जो वैसे काफी मुश्किल रहता है, लेकिन हाँ, एज अ चैलेंज एज फॉर एन एक्टर, इट्स वेरी गुड टू प्ले, यू नो, फॉर एन एक्टर इट्स ग्रेट फन। एक लंबे समय के बाद जब आपको ये किरदार ऑफर किया गया, और जैसे आपने बताया आपकी पर्सनैलिटी से काफी विपरीत है, काफी अलग है, तो क्या दिमाग में था कि मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हम लॉकडाउन के बाद आ रहे थे, तो थोड़ी सी एक कंसर्न्स भी होते हैं मैं एक्चुअली लॉकडाउन खत्म होते ही आई शॉर्ट ऑफ फिल्म। तो जब इन्होंने मुझे फोन पे मुझे बोला कि ऐसे ऐसे है और आपको वेट पुट ऑन करना पड़ेगा, मैं तब हरियाणा में था, तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं डेली सोप के लिए तो नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज डेली फिल्म की बात अलग है कि यू प्लान इट कि चलो पहले वेट पुट ऑन किया फिर हम उसको शट डाउन कर लेंगे, लेकिन डेली सोप का पता नहीं, साल, 2 साल, 3 4 5 साल अगर चल गया तो एंड देन यू रिमेन फैट फॉर योर लाइफ। सो बट फिर मैं बॉम्बे आया तो उन्होंने फिर जिक्र किया ऐसे ऐसे, हाँ, मैंने बोला यू वांट टू पुट ऑन, यू नो, पुट थिंग्स अराउंड, आई एम फाइन विद दैट। और देखो फिर करते करते ब्रिज का कैरेक्टर बन गया। राधा, अगर आपकी बात की, राधा प्रणाली काफी हद तक थोड़ी सी सिमिलर ही है असल। हाँ,
मतलब जैसे राधा कुत्ती बांधी रहती है, बस खुश रहती है, सबको हंसाती रहती है, वैसे प्रणाली भी है। तो लोग एक्चुअली मुझे बोलते कि ऐसा लगता है कि राधा का कास्टिंग एकदम परफेक्ट किया है सबने, कि सेम ही लगती है सबको। सेम है, सेम है, एग्जैक्ट सेम है। प्रणाली, जब आपको पता चला कि मतलब आपके ऑपोजिट यश जी होंगे, काफी सीनियर एक्टर हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट आइस ब्रेक मोमेंट होता है कि पहली बार जब आप उनसे मिले, तो कैसा कैसा एक्सपीरियंस था वो? मतलब अगर आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम यश जी से मिले तो कैसा रहा? हमारी पहली मुलाकात हुई थी मॉक शूट के टाइम, एंड तभी तो मैं तो डरी हुई थी काफी कि मैंने तो इनको देख रखा है, मतलब मैंने इनको मूवीज में देखा है, सीरियल्स में देखा है, तो मैंने कहा हाय अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी। बट ये इतने अच्छे थे, इतने वार्म थे कि इन्होंने पूरा जो सराउंडिंग था, पूरा एनवायरनमेंट इतना लाइट कर दिया, इतना कंफर्टेबल कर दिया कि हमने मॉक शूट ही इतने अच्छे से किया कि बताओ हम कपल बन गए सीरियल इन शो ऑल्सो ना, शो के अंदर भी हमारा रिश्ता बड़ा अनकंफर्टेबली कंफर्टेबल है, आप हाँ, समझ रहे हो, इट कैन नॉट बी कंफर्टेबल कंफर्टेबल। तो वो जब हम एक्चुअली जब मिले भी, जब किया भी शूट जब किया, तो उसमें अनकंफर्टेबल होना ही था। वो जितने मेरे कहते हैं आई एम श्योर वो पगड़ी बांधने वाला वाला सो दैट गोज वेल दैट वे। प्रणाली, आपका अगर लुक की बात करें तो मतलब जो थोड़ा सा एक भारी भरकम मेकअप और वो सारी चीजें हैं, ज्वेलरी है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ओ माई गॉड, मैं इतनी एक्साइटेड हुई थी जब मेरा पहली बार लुक टेस्ट हुआ था। इतने सुंदर कपड़े मुझे दिए, इतने सारे गहने, की लुक टेस्ट के फोटोज तो छोड़ो, मैं अपने फोन से अपने फोटोज ले रही थी। मैं तो भाई अपने लुक से बहुत खुश हूँ। सबसे प्यारा लुक, नहीं सब अच्छे लग रहे हैं, बट मेरे लिए मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। और इनकी ज्वेलरी की वजह से सारी डबिंग आती है। यशी, असल जिंदगी में भी आप लोग की हंसी मजाक इस तरह से चलती है, असल जिंदगी में किस तरह की बॉन्डिंग होती है आपकी और प्रणाली की? कोई या कोई शूट के दौरान कोई वाकया जो आप शेयर कर सकें? मतलब ड्यूरिंग शूट तो हमारे काफी ऐसे सीन्स हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे, जैसे था कि फर्स्ट नाइट, मतलब ये जब कमरे में आती है, उससे पहले एक बड़ा ड्रामा गया, इनको घूंघट घूंघट में डाल दिया है, और उसमें ये मतलब इंस्टेड ऑफ टॉकिंग और गेटिंग वार्म अबाउट और टू अंडरस्टैंड, हम जो होते हैं ना फर्स्ट नाइट वाला मामला, ये मैडम चूहा ढूंढने लगती है। जो कूदा फांदी इधर से उधर से, ऑल ऑल अ वेरी फन। फिर एक एक सीक्वेंस था, इनको घर से बाहर निकाल देते हैं और ये कुछ रस्सी से चढ़ के आती है, तो उस वक्त कुछ सीन था, तो आई ओनली सजेस्टेड एट दैट टाइम कि आने दो, मैं ऐसे बैठे बड़बड़ा रहा हूँ कि कैसी है वो, दूसरों की बात, घर की बात बाहर नहीं बोलनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो एक हाथ काम नहीं करता, तो सपोज अगर एक ही हाथ बांध दिया तो वो यू वुड नॉट गो टू डू एनी थिंग, इंस्टेड ऑफ ही शी पुशिंग मी दैट लुक मच। तो वो वैसे वैसे करते तो बहुत, और ऐसे फटफट हो भी जाते हैं। एक्चुअली इनके साथ काम करना, ट्रस्ट मी, बहुत फन है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, तो हमारा हंसी खुशी में पूरा शूट भी निकल जाता है और मस्ती भी हो जाता है, काम भी हो जाता है, तो इट्स लाइक दैट। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं इसी तरह से मतलब आगे भी आप लोग की लंबी जर्नी चलती रहे, शो का दर्शकों को प्यार मिली रहे, जाते रहते सभी दर्शक फैंस भी, और सभी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही बोलना चाहेंगे, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो पे, प्लीज वॉच अ शो, इट कम्स ऑन सोनी टीवी 9 o'clock, क्यों उठे दिल छोड़ाए, प्लीज प्लीज देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और हमारी बड़ी स्ट्रेंज लव स्टोरी है, आपको हंसी भी बहुत आएगी। और रुलाएंगे भी। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।